हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्लास 8 पी की न्यू टेक्स्ट बुक से एंड स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस चैनल को आप अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए कन्वर्ट फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज सो यहाँ पर जो आपको रेशोज़ दिए ना उनको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सो so परसेंटेज भी एक वे होता है चीज़ों को कंपेयर करने का ठीक है जैसे रेशो की फॉर्म में हम कंपेयर करते हैं इसी तरह से परसेंटेज की फॉर्म में भी हम कंपेयर करते हैं ओके सो फर्स्ट पार्ट में हमें रेशो दी है वन इज टू थ्री वन इज टू थ्री का क्या मतलब होता है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री ओके ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हमने पहले फोर क्वेश्चन किए थे इस एक्सरसाइज के नाव जब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना उसको हंड्रेड बनाना है ओके सो उसके लिए इसको आप ऊपर नीचे हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर दो राइट जब आप परसेंटेज बनाओगे तो परसेंटेज का आप ये वाला साइन यूज करते हो ना साथ में जैसे कि टू परसेंट थर्टी परसेंट राइट सो इस परसेंटेज के साइन के लिए हमने डिनोमिनेटर रखना होता है वन अपॉन हंड्रेड ओके अब यहाँ से देखो वन अपॉन हंड्रेड को आप अलग रखो क्योंकि वन अपॉन हंड्रेड की जगह पर हम लगा देंगे परसेंटेज का साइन सो यहाँ पर अब देखो हंड्रेड अपॉन थ्री को आपने अलग कर लिया इंटू वन अपॉन हंड्रेड ओके नाउ इस वन अपॉन हंड्रेड को आप रिप्लेस कर दोगे परसेंटेज के साइन के साथ सो हंड्रेड अपॉन थ्री परसेंटेज ओके अब यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हंड्रेड को आप थ्री से डिवाइड कर लो थ्री थ्री ज़ा नाइन वन बचा साथ में टेन थ्री थ्री ज़ा नाइन रिमेंडर आ गया वन ओके सो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे थर्टी थ्री एंड वन अपॉन थ्री साथ में परसेंटेज का सिंबल ओके सो दिस इज दी आंसर सेकेंड पार्ट फोर इज टू फाइव इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे फोर अपॉन फाइव इसको अब आप ऊपर नीचे हंड्रेड के साथ कर दो मल्टीप्लाई ठीक है सो so, यहाँ पर क्या आएगा फोर इंटू हंड्रेड ओवर फाइव इंटू वन अपॉन हंड्रेड इसको आपने अलग रख लिया ठीक है सो दिस इज़ इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी इंटू फोर एटी एंड वन अपॉन हंड्रेड की जगह पर आप लगा दोगे परसेंटेज का साइन सो एटी परसेंट ठीक है सो so, इसका मतलब क्या है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ कि फोर फाइव का एटी परसेंट है फोर इज़ टू फाइव है ना कंपैरिजन यहाँ पर उसको जब आपने परसेंटेज में चेंज किया तो इसी कंपैरिजन को आप परसेंटेज की फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जो पहली टर्म है वो दूसरी टर्म का एटी परसेंट है नेक्स्ट है वन इज़ टू टू सो दिस इज वन अपॉन टू ऊपर नीचे इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लो राइट right? टू वन जर टू यहाँ पर आ गया फिफ्टी सो फिफ्टी इंटू वन अपॉन हंड्रेड ओके वन अपॉन हंड्रेड को अब आप रिप्लेस कर दो परसेंटेज के साइन के साथ सो फिफ्टी परसेंट दिस इज दी आंसर सो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड का फिफ्टी परसेंट है मतलब हाफ है नेक्स्ट है टू इज टू फाइव तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे टू अपॉन फाइव अब इसको ऊपर नीचे हंड्रेड के साथ कर दो मल्टीप्लाई फाइव वन जा फाइव यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी सो ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन हंड्रेड सो दिस इज़ फोर्टी परसेंट ओके वन अपॉन हंड्रेड को हमने परसेंटेज के साइन के साथ रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट है फाइव इज टू फोर सो फ्रैक्शन में लिखेंगे फाइव अपॉन फोर ऊपर नीचे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो एंड फोर वन ज फोर यहाँ पर क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ओवर हंड्रेड इसको आप कैसे लिखोगे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव साथ में परसेंटेज ठीक है क्योंकि इसका मतलब यही है ना वन ट्वेंटी फाइव इंटू वन अपॉन हंड्रेड एंड वन अपॉन हंड्रेड को आपने रिप्लेस कर देना होता है परसेंटेज के सिंबल के साथ ठीक है सो दिस इज़ वन ट्वेंटी फाइव परसेंट लास्ट पार्ट वन इज टू फाइव फ्रैक्शन में लिख लो वन अपॉन फाइव ऊपर नीचे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फाइव ज हंड्रेड होता है सो ट्वेंटी इंटू वन अपॉन हंड्रेड आ गया सो दिस इज ट्वेंटी परसेंट ओके सिक्स क्वेश्चन है अ मैन पेंट एटी सेवन परसेंट ऑफ हिज सैलरी इफ़ ही सेव्ड रुपीज़ थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइंड हिज सैलरी सो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो भी उस पर्सन की टोटल सैलरी है उसका 87 परसेंट उसने खर्च कर दिया स्पेंड कर दिया बट उसके बाद भी उसके पास कितने रुपीस बचे रुपीस 325। हमने उसकी सैलरी फाइंड करनी है क्वेश्चन में उसकी सैलरी नहीं दी हुई तो सैलरी को हम एज्यूम कर लेंगे रुपीस एक्स ओके लेट सैलरी ऑफ द मैन इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स एंड उसने कितनी सैलरी स्पेंड कर ली अपनी एटी ऑफ एक्स ओके सो सैलरी स्पेंट इज इक्वल टू एटी सेवन परसेंट ऑफ़ एक्स सो दिस इज इक्वल टू एटी सेवन परसेंट का क्या मतलब होता है एटी सेवन अपॉन हंड्रेड ऑफ को हम मल्टीप्लाई से चेंज कर देते हैं इन टू एक्स सो दिस इज इक्वल टू एट्टी सेवन एक्स अपॉन हंड्रेड इतने रुपीज़ उसने सैलरी के स्पेंड कर दिए ठीक है सो so, उसके पास बची कितनी सैलरी टोटल सैलरी थी उसकी रुपीज़ एक्स इतने रूपीज उसने स्पेंड कर दिए सो जितनी सैलरी उसकी बची मतलब जितनी सेविंग हुई वो हम कैसे निकालेंगे टोटल सैलरी माइनस जितनी सैलरी उसने स्पेंड कर दी सो एक्स माइनस एट्टी सेवन एक्स अपॉन हंड्रेड ओके सो सैलरी सेव्ड इज इक्वल टू रुपीज एक्स माइनस रूपीज एटी से हंड्रेड अब क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि उसने एक्चुअल में थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज सेव किए थे सो जो हमने ये फाइंड किया है सैलरी सेव्ड वेरिएबल की फॉर्म में इसको हम इक्वेट कर देंगे रुपीज थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के वहां से फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस एट्टी सेवन एक्स ओवर हंड्रेड इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ठीक है जी सो so, इस इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है यहाँ पर हंड्रेड एलसीएम ले लो ऊपर आ जाएगा हंड्रेड एक्स माइनस एटी सेवन एक्स इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो यहाँ पर क्या आएगा हंड्रेड में से एटी सेवन को सब्ट्रैक्ट कर दो टेन माइनस सेवन थ्री बचे नाइन नाइन माइनस एट वन सो थर्टीन एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो थर्टीन एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हंड्रेड राइट हैंड साइड पे ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ओवर थर्टीन अब यहाँ पर देखो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थर्टीन के साथ डिविजिबल है पूरा पूरा या नहीं सो थर्टीन टू ज़ा ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू तो सिक्स बजे साथ में फाइव सिक्सटी फाइव थर्टीन फाइव ज़ा सिक्सटी फाइव तो ये पूरा पूरा चला जाएगा यहाँ पर आप इसको कट कर दो 13, so, to, अब थर्टीन फाइव 65 सिक्सटी फाइव सो एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इन हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अब एक्स को आपने क्या ज्यूम किया था उस पर्सन की सैलरी इन रुपीज सो दे फोर सैलरी इज इक्वल टू रुपीज 2500. This is the answer, okay? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन है. बस को आपने step by step समझ के करते जाना है क्वेश्चन सो so, एक कबड्डी की टीम है उसने टोटल फिफ्टीन मैचेस प्ले किए हैं एंड उसमें से सिक्सटी मैचेस उन्होंने विन किए हैं हाउ मैनी मैचेस लूज़ सो so, यहां पर आपने ये बताना है कि उन्होंने टोटल कितने मैचेस लूज किए ओके मैचेस वन इज इक्वल टू सिक्सटी परसेंट ऑफ फिफ्टीन मैचेस, राइट यही दिया हुआ है ना हमें कि टोटल उन्होंने फिफ्टीन मैचेस प्ले किए उसका सिक्सटी परसेंट मैचेज उन्होंने जीत लिए सो नंबर ऑफ मैचेस वन ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मैचेस वन इज इक्वल टू सिक्सटी परसेंट ऑफ फिफ्टीन सो दिस इज इक्वल टू सिक्सटी अपॉन हंड्रेड ऑफ को रिप्लेस कर दोगे मल्टीप्लाई से इनटू फिफ्टीन सो ये ज़ीरोज आपस में कैंसिल हो गए टू थ्री ज़ा सिक्स टू फाइव ज़ा टेन फाइव वन ज़ा फाइव फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन सो थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन सो नाइन मैचेस उन्होंने वॉन किए हैं सो कितने मैच उन्होंने लूज किए फिफ्टीन माइनस नाइन सो नंबर ऑफ मैचिज लॉस्ट इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस नाइन इज इक्वल टू सिक्स दिस इज दंसर क्वेश्चन नंबर एट फ्राम अ क्लास ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट्स फोर्टी परसेंट स्टूडेंट्स लाइक चेस फिफ्टीन परसेंट लाइक कैरम एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम्स सो ए क्लास में टोटल सिक्सटी स्टूडेंट्स हैं उसमें से फोर्टी परसेंट स्टूडेंट्स चेस लाइक करते हैं फिफ्टीन परसेंट कैरम लाइक करते हैं एंड जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो अदर गेम्स लाइक करते हैं ठीक है फाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कैरम चेस एंड अदर गेम्स तो वो बहुत ही सिंपल है देखो चेस कितने स्टूडेंट्स लाइक like करेंगे फोर्टी परसेंट ऑफ सिक्सटी निकाल लेंगे हम आंसर आ गया कैरम कितने स्टूडेंट्स लाइक like करते हैं फिफ्टीन परसेंट ऑफ सिक्सटी निकाल लिया आंसर आ गया रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप कैसे निकालोगे टोटल स्टूडेंट्स में से जितने स्टूडेंट्स चेस एंड कैरम लाइक करते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आ जाएंगे रिमेनिंग स्टूडेंट्स राइट जो अदर गेम्स लाइक करते हैं सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक चेस इज इक्वल टू फोर्टी परसेंट ऑफ सिक्सटी सो इसको सॉल्व करो फोर्टी अपॉन हंड्रेड ऑफ मल्टीप्लाई इंटू सिक्सटी सो ये जीरोज आपस में कट गए फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स लाइक करते हैं चेस को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कैरम फिफ्टीन परसेंट ऑफ सिक्सटी सो फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड इंटू ओके सो लास्ट का जीरो कट गया टू वन सा टू टू थ्री जिक्स सो थ्री इंटू थ्री नाइन ओके दिस इज सिक्स ओके सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक अदर गेम्स इज इक्वल टू सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फोर प्लस नाइन ओके जितने स्टूडेंट्स टेसेंट कैरम को लाइक like करते हैं उनको सिक्सटी में से कर दो सब्ट्रैक्ट सो so, यहाँ पर क्या आ जाएगा नाइन प्लस फोर थर्टीन वन कैरी टू प्लस वन थ्री सो सिक्सटी माइनस थर्टी थ्री दिस इज टेन माइनस थ्री सेवन फाइव बचे फाइव माइनस थ्री टू ट्वेंटी सेवन ओके सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट ओके क्वेश्चन नंबर नाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट है द रेशियो ऑफ सिक्स किलोमीटर टू सिक्स हंड्रेड मीटर इज सिक्स किलोमीटर इज टू सिक्स हंड्रेड मीटर इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे सिक्स किलोमीटर ओवर सिक्स हंड्रेड मीटर सो दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखो ऊपर नीचे यूनिट डिफरेंट है पहले तो आप यूनिट को सेम बनाओगे किलोमीटर्स को मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर लूँगी सिक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो, थाउजेंड के साथ मीटर अपॉन सिक्स हंड्रेड मीटर बिकॉज वन किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं वन थाउजेंड लास्ट के ज़ीरो कट गए सिक्स सिक्स आपस में कट गया टेन अपॉन वन मीटर मीटर आपस में कट गया सो टेन इज टू वन बी आंसर नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ थ्री इज टू फोर इज थ्री इज टू फोर को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे थ्री अपॉन फोर अब इसको परसेंटेज में लिखने के लिए हम इसे ऊपर नीचे हंड्रेड से कर देंगे मल्टीप्लाई राइट फोर वन ज फोर ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव इंटू वन अपॉन हंड्रेड सो दिस इज सेवेंटी फाइव परसेंट वन अपॉन हंड्रेड को हम रिप्लेस कर देते हैं परसेंटेज के साइन के साथ ओके okay? इसीलिए आप नीचे डिनोमिनेटर बनाते हो हंड्रेड सो दैट वन अपॉन हंड्रेड को फिर हम परसेंटेज के सिम्बल के साथ रिप्लेस कर सकें सो ए इज़ दी आंसर नेक्स्ट है रेशो ऑफ टू हंड्रेड पैसे टू रुपीज थ्री सो so, इसको आप कैसे लिख लोगे फ्रैक्शन में टू हंड्रेड पैसे ओवर रुपीज़ थ्री ऊपर नीचे यूनिट डिफरेंट है तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं हम टू हंड्रेड पैसे ओवर थ्री इन टू हंड्रेड पैसे ओके सो so, पैसे पैसे आपस में कट गए लास्ट के ज़ीरो कट गए सो so, ये क्या बचा टू अपॉन थ्री सो रेशो में आप इसको कैसे लिखोगे टू इज टू थ्री सो ए आंसर नेक्स्ट है देयर आर फोर्टी एट गर्ल्स आउट ऑफ एट्टी स्टूडेंट्स सो एट्टी स्टूडेंट्स में से फोर्टी एट गर्ल्स हैं गर्ल्स की आपने परसेंटेज बतानी है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज तो कितनी गर्ल्स हैं फोर्टी एट आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स एटी परसेंटेज बतानी है राइट right. तो यहाँ पर हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड साथ में लगा देंगे परसेंटेज का साइन अब ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हंड्रेड से हमने मल्टीप्लाई किया परसेंटेज को हम किससे रिप्लेस करते हैं वन अपॉन हंड्रेड से सो so, ये आपस में कट गए सो बेसिकली दिस इज वन सो इसका मतलब क्या है कि हमने एक्चुअल चीज में कोई भी चेंज नहीं किया राइट right? बस हमने उसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखा है परसेंटेज की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है ठीक है सो दिस इज इक्वल टू लास्ट के जीरोज कट गए एट वन जट एट सिक्स ज फोर्टी एट सिक्स इंटू टेन सिक्सटी सो सिक्सटी परसेंट डी ऑप्शन नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ थ्री इज टू फाइव इंटू परसेंटेज थ्री इज टू फाइव को पहले तो फ्रैक्शन में लिख लो थ्री अपॉन फाइव परसेंटेज में लिखना है तो डिनोमिनेटर हमें हंड्रेड बनाना पड़ेगा उसके लिए हम ऊपर नीचे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड बाई हंड्रेड ओके नाउ इस हंड्रेड को हम सिक्योर रखेंगे मतलब वन अपॉन हंड्रेड को हम अलग से रखेंगे ताकि उसकी जगह फिर हम बाद में यूज़ कर लेंगे परसेंटेज का सिंबल बाकी का आप सॉल्व कर लो सो ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी एंड वन अपॉन हंड्रेड इसको हमने सेफ रखा था ना सिक्सटी इंटू वन अपॉन हंड्रेड सो सिक्सटी परसेंट ठीक है सो so स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी सेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज फिनिश होती है आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे इफ यू फाइंड दीज वीडियो हेल्पफुल प्लीज शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स